नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, यूनिट नंबर सेकंड का। हमारी यूनिट नंबर सेकंड यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स, पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या फिर हमारी साइट पर जा सकते हो, www.paperhacker.in, वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको नोट्स भी यहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आज की जो हमारी रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित मोड़दार पर्वत के निर्माण संबंधी किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिएगा। जो मोड़दार पर्वत होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, उनका एक सिद्धांत आपको यहां पर देना है। यह अथवा में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि पर्वत निर्माण संबंधी किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिएगा, यह मोड़दार दे सकता है या फिर सिर्फ आपको पर्वत निर्माण संबंधी कोई सिद्धांत आपको दे सकता है लिखने के लिए, ठीक है। यह टिप्पणी लिखिएगा, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं, जो सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी वो क्या पढ़ने वाली है। भाई कोई भी क्वेश्चन आप शुरू करना तो सबसे पहले उसकी हेडिंग जरूर डालना। क्या करना है? हेडिंग जरूर डालना है। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हेडिंग कम डालोगे नंबर कम मिलेंगे, हेडिंग अच्छी डालोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहली हमारी हेडिंग हो जाती है किसकी बात हुई, किस पर आधारित है इसका, इसका कह सकते हैं जो सारांश है वो क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं वो क्या है, पर्वत। क्या है? पर्वत का निर्माण। तो हमने सबसे पहले क्या डालेंगे, हम सबसे पहले पर्वत की बात हो रही, सबसे पहले पर्वत के बारे में बताएंगे, बिल्कुल। तो हमने क्या डाल दी, पर्वत की परिभाषा, या फिर सिर्फ पर्वत भी हेडिंग आप डाल सकते हो यहां पर। तो बात करते हैं हमने क्या लिखी, पर्वत की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद हम थ्योरी लिखेंगे उसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो पड़ेगा वो पड़ेगा यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर। उसके बाद हम क्या डाल देंगे इधर, उत्तर, ठीक है। अब हमारी जो पहली हेडिंग थी वो पड़ गई पर्वत की परिभाषा या फिर पर्वत। आप देखेंगे थ्योरी की ओर, तो पृथ्वी तल पर स्थित भू आकृतियों में पर्वत द्वितीय प्रकार के भू आकार है। कैसे है भाई? द्वितीय प्रकार के भू आकार हो जाते हैं जो पृथ्वी के 27% भाग को घेरते हैं। कितने प्रतिशत भाग को घेरते हैं भाई पर्वत? 27% भू भाग को घेरते हैं। सेलिसबरी मैंने बता रखा है, 3-4 के नाम याद कर लेना, एक हो जाता है अपना वैगनर, होम्स और सेलिसबरी, ठीक है। तो सेलिसबरी के अनुसार यही ज्यादातर परिभाषा देंगे आपके लिए, बाकी घुमा घुमा कर, ठीक है। तो बात करते हैं सेलिसबरी के अनुसार, पर्वत बे ऊंचे स्थल यहां पर भाग हैं जो शिखर पर पर्याप्त संकुचित होते हैं। कैसे होंगे भाई? इकट्ठा होना, संकुचित मतलब क्या होगा, इकट्ठे होना। तो शिखर पर कैसे होते हैं ये, संकुचित होते हैं, ठीक है भाई। सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार है, सबके द्वारा जो मान्य परिभाषा है वो कौन सी हो जाती है, यहां पर आप देख सकते हो, वो देखिए, पर्वत उस चोटी अथवा उच्च भाग को कहते हैं जो ढाल में तीव्र लिखा हुआ होगा, ठीक है, वहां पर ढाल में तीव्र हो और अपने आसपास के क्षेत्र में इतना अधिक ऊंचे हो कि वह दूर से स्पष्ट नजर आ सके और जिसकी चोटी पठार की तुलना में सर्वाधिक संकुचित हो। पठार कैसा होता है? समतल। और वह कैसी होती है? संकुचित। संकुचित हो पर्वत अपनी निर्माणकारी प्रक्रिया रूप और आकृति संरचना के में रूप आकृति तथा संरचना में सर्वथा भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वथा भिन्न होते हैं। भूगर्भकारी हलचलों के आधार पर पर्वतों को किसके, भूगर्भकारी हलचलों के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है पर्वत का निर्माण कैसे होता है, भूगर्भकारी जो हलचले होती हैं उनसे ही क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। भूगर्भकारी क्यों कहा, क्योंकि भूमि के अंदर की बात कर रही है ना, भूमि के अंदर जो हलचले होंगी उससे क्या होगा, पर्वत का यहां पर निर्माण होगा। अब भाई हलचले कौन कौन सी है ये आपको नाम यहां पर याद करने पड़ेंगे। पहला हो जाता है जैसे कि चरनियन हलचलों द्वारा निर्मित पर्वत, किसके, चरनियन, याद रखना है, चरनियन हलचलों द्वारा निर्मित पर्वत। सेकंड हो जाता है अपना कैलिडोनियन हलचलों द्वारा पर्वत निर्मित होते हैं, और अपना हो जाता है हिर्सिनियन, किसके, हिर्सिनियन हलचलों द्वारा निर्मित, तथा अपने हो जाते हैं अल्पाइन हलचलों द्वारा निर्मित पर्वत। तो इस प्रकार मतलब यहां पर देखें, आपके चार टाइप रखे हैं, चार प्रकार की हलचलों से पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। पहली हो गई चरनियन, दूसरी हो गई कैलिडोनियन, तीसरी हो गई हर्सियन, और अपनी चौथी हो जाती है अल्पाइन। तो चारों के चारों नाम आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं, ठीक है भाई।
तो बात करते हैं, विभाजित किया जाता है ऊंचाई के आधार पर, नीचे कम ऊंचे, साधारण ऊंचे, अधिक ऊंचाई वाले पर्वत क्रमों में वर्गीकृत किया गया है। भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर पर्वतों को पर्वत शिखर, एकांकी पर्वत, आराम से आप कर सकते हो। देखो, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर पर्वतों को, जो भौगोलिक व्यवस्था है उसके आधार पर पर्वतों को, देखो यहां पर पर्वत शिखर सबसे ऊंचा, पर्वत शिखर, एकांकी पर्वत, पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत समूह, पर्वत तंत्र, पर्वत श्रृंखला आदि में विभाजित किया गया है। ये तो आराम से लिख सकते हो आप, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर, क्योंकि यहां देखो पर्वत शिखर, शिखर तो जानते हो आप, सिर्फ तो उसके अनुसार पर्वत शिखर के अनुसार आप मांट दिया ऊंचे पर्वत शिखर वाले, ठीक है। और एकांकी पर्वत, एक पर्वत है तो एकांकी पर्वत कह दिया, और पर्वत कटक हो गया, और यहाँ पर देखो पर्वत श्रेणी होती है ना, तो यहाँ पर श्रेणी में डिवाइड कर दिया। पर्वत समूह, बहुत सारे एक जगह पर्वत हैं तो इसने पर्वत समूह में डिवाइड कर दिया। पर्वत तंत्र होता है और पर्वत श्रृंखला होती है आदि विभाजित किया गया है भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर, ठीक है भाई। आराम से लिख सकते हो, दो तीन याद कर लोगे, दो तीन तो वैसे ही याद हो गए आपके लिए, ठीक है। तो आप बनाकर भी इन्हें लिख सकते हो। तो बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को, विवर्तनिकी पर्वत, देखो उत्पत्ति के आधार पर याद कर रहा है, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को विवर्तनिकी पर्वत तथा पर्वतीय पर्वत दो वर्गों में रखा गया है। विवर्तनिकी पर्वतों को पुनः दो वर्गों में, विवर्तनी पर्वत था उसको पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला हो जाता है विरूपती पर्वत तथा दूसरा हो जाता है संग्रहित पर्वत में वर्गीकृत किया गया है। परिवर्तित पर्वत कौन से थे? दो थे, विवर्तनी की और प्रवर्ती। विवर्तनी को दो भाग में डिवाइड कर दिया, विवर्तनी विरूपती तथा संग्रहित। अब तथा जो प्रवर्ती पर्वत है इसको चार से पांच भागों में डिवाइड किया गया है। विवर्तनी पर्वतों को पहला कौन सा हो जाता है? बलित पर्वत, गुंबदकार पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और संग्रहित पर्वत क्रम में विभाजित किया गया है। पांच हो जाते हैं, पांच टाइप के, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, बात करते हैं पर्वत निर्माण के सिद्धांत, पर्वत निर्माण के सिद्धांत, यही तो हमें पढ़ना है इस क्वेश्चन में, है ना, पर्वत निर्माण के सिद्धांत के बारे में। तो बात करते हैं, हमारी हेडिंग पढ़ गई पर्वत निर्माण के सिद्धांत। जैसे हो जाता है पर्वतों के निर्माण में अनेक प्रकार की शक्तियां जैसे संपीडन, ज्वालामुखी क्रिया, आच्छादन प्रमुख है। आपको पता है पर्वतों के निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से तथा संपीडन से, और ये हो जाता है अपना आच्छादन प्रमुख हो जाते हैं। पर्वतों का निर्माण भी विवादास्पद रहा है, अभी विवादास्पद है, विद्वानों में क्या है, एक मत नहीं है, अब भी उनमें मतभेद है, विवादास्पद रहा है। पर्वतों का निर्माण मुख्यतः विवर्तनिकी एवं अवशिष्ट रूप में अधिक हुआ है। कैसे हुआ है? विवर्तनिकी और अवशिष्ट या फिर घर्षित रूप में अधिक हुआ है। विवर्तनिकी पर्वतों में बलित या फिर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्हें बलित पर्वत भी कहते हैं और मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है, एमसीक्यू यहां से बन सकता है। तो इस प्रकार के बलित पर्वतों को कुछ मुख्य विशेषताओं का ज्ञान आवश्यक है। आपको बलित पर्वत या फिर हो जाते हैं मोड़दार पर्वतों के बारे में कुछ विशेष ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कुछ निम्न प्रकार से हो जाते हैं। अब इनकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं, जैसे कि पहली विशेषता हो जाती है संसार की उच्चतम चोटी वाले बलित पर्वत कैसे होते हैं? यह नवीन होते हैं। अगर ऊंची चोटी है तो वे कैसे होंगे? नवीन होंगे, ये दे रखा है। सेकंड विशेषता हो जाती है बलित पर्वतों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। नदियों के द्वारा जो अवसाद लाते हैं उसका किसका निर्माण हुआ? बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। बात करते हैं तीसरी विशेषता है संकरे एवं उथले सागरीय, संकरे एवं उथले सागरीय तलछटों पर संपीडन के कारण मोड़ पड़े हैं। किसके कारण मोड़ पड़े हैं पर्वत के अंदर? वो संकरे एवं उथले सागरीय तलछटों के संपीडन के कारण, ठीक है। आगे देखिएगा, चौथी विशेषता हमारी हो जाती है कि सागरीय तलहट में समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। ये तो बात बिल्कुल इजी है ना। आगे देखते हैं पांचवी विशेषता, अधिकांश बलित पर्वतों की उत्पत्ति भू अभिन्नतियों से हुई है। किससे हुई है? भू अभिन्नतियों से हुई है, भूमि की भूमि में भिन्नता देखने से यहां पर हुई है, ठीक है भाई। बात करते हैं आगे पांचवी, इस प्रकार के बलित पर्वत अधिक लंबे तथा कम चौड़े होते हैं। लंबे तो कैसे होंगे? अधिक,
परंतु चौड़े कैसे होंगे, कम होंगे। सातवीं विशेषता है कि अधिकांश बलित पर्वत कैसे होते हैं, चापाकार होते हैं। तो ये चापाकार तो है ना, बिल्कुल। तो अधिक बलित पर्वत कैसे होते हैं, चापाकार होते हैं। आठवीं विशेषता हो जाती है बलित पर्वतों का विस्तार मध्य स्थल भागों में पश्चिम से पूर्व की पूर्व को और किनारों पर उत्तर से दक्षिण को है। कहां से है जो बलित पर्वतों का विस्तार है, वो मध्य स्थल भागों में पश्चिम से पूर्व को, पश्चिम से पूर्व को विस्तार होगा तथा किनारों पर उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। यहां तो सही है मगर यहां पर उल्टा है, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रखा है नवीं विशेषता हो जाती है बलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसी है, चक्र अनुसार हुई है। कैसे हुई है भाई, चक्र अनुसार बलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। पर्वतों के निर्माण में सबसे विवादात्मक विषय उनके निर्माण को प्रेरक शक्ति को लेकर है। इसका है निर्माण की प्रेरक शक्ति को लेकर है। पर्वतों के निर्माणकारी शक्तियों के दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाता है लंबवत गति और दूसरी हो जाती है क्षैतिज या फिर पार्विक गति में रखा गया है ना। किसमें रखा जाता है भाई, पर्वतों की निर्माणकारी शक्तियों को दो वर्गों में रखा गया है। पहला हो जाती है लंबवत गति और दूसरी हो जाती है क्षैतिज या फिर पार्विक गति में रखा गया है। इन शक्तियों के आधार पर ही पर्वतों के निर्माण संबंधी सिद्धांत को दो वर्गों में रखा गया है। इन सिद्धांतों को किसमें रखा गया है, लंबवत गति तथा क्षैतिज गति में, दो सिद्धांतों के अनुसार रखा गया है। ठीक है, देखते हैं। पहला हो जाता है लंबवत गति या फिर लंबवत गति पर आधारित सिद्धांत। लंबवत गति पर आधारित सिद्धांत कौन कौन से हो जाते हैं, इनको देख लेते हैं। तो बात करते हैं हरमन ने पर्वतों की उत्पत्ति दोलन तरंगित सिद्धांत के रूप में की है। कितने दोलन तरंगित सिद्धांतों के रूप में की है। इसके अनुसार पर्वतों की उत्पत्ति बलन गतियों लंबवत सॉरी इसके अनुसार पर्वतों की जो उत्पत्ति है वो लंबवत गतियों के कारण हुई है। किसने कहा, हरमन ने। ठीक है, आगे देखिएगा हरमन ने। फिर देखिए अपना बिलिस और बेमेलिन ने भी इस सिद्धांत में कुछ संशोधन करके लंबवत गति द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति बताई है, परंतु यह सिद्धांत अधिक मान्य नहीं रहे हैं। ये जो सिद्धांत है लंबवत वाले वो क्या रहे हैं, अधिक मान्य नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, आप एक ही नाम याद कर लीजिएगा, हरमन वाला, बाकी आप बनाकर लिख सकते हो। बाकी बात करते हैं यहां पर सेकंड वाला, वो हो जाती है अपनी क्षैतिज गति पर आधारित सिद्धांत। ठीक है, क्षैतिज गति पर आधारित सिद्धांत। तो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित अधिकांश सिद्धांत क्षैतिज गति पर ही आधारित हैं। इन सिद्धांतों को दो उपवर्गों में रखा गया है, क्षैतिज गति पर आधारित सिद्धांतों को। तो पहला अपना जो सिद्धांत हो जाता है वो हो जाता है वर्ग हो जाता है संकुचन पर आधारित सिद्धांत। कैसे, संकुचन मतलब सुकड़ने पर आधारित सिद्धांत हो जाता है। जैसे कि संकुचन पर आधारित सिद्धांतों के अनुसार गर्म तप्त तरल पृथ्वी ठंडी व ठोस हुई जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति परत संकुचित हुई। भाई पहले क्या थी, गर्म थी, उसके बाद ठंडी होगी तो क्या होगी, संकुचित होगी, घटी होगी, संकुचित हुई। इस संकुचित से उत्पन्न झुर्रियां ही मोड़दार पर्वत कहलाए। इस संकुचन से उत्पन्न जो झुर्रियां थी, जो झुर्रियां पड़ी उसमें पृथ्वी के अंदर, ही मोड़दार पर्वत कहलाए। इस विचारधारा के आधार पर पर्वत संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को सामने आया, जो निम्नलिखित सिद्धांत है वो सामने आए हैं। ठीक है, तो पहला हो जाता है कोबर का भू अभिनतीय पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। ठीक है भाई, पहला हो जाता है हमारा। सेकंड की बात करते हैं जेम्फ्रे का तापीय संकुचन पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। किसका, जेम्फ्रे का और कोबर का। तो जेम्फ्रे और कोबर दोनों आप याद कर लेना, डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी मत लिखो, ये तो डायरेक्ट लिखो कि कोबर का सिद्धांत था और जेम्फ्रे का तापीय सिद्धांत। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं खावाला। दूसरा वर्ग क्या हो जाता, पहला हो जाता संकुचन के आधार पर पृथ्वी संकुचित हुई, झुर्रियां पड़ी और क्या हो गया, पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है भाई, आगे देखिएगा खा की बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन हुआ,
जैसे कि हमने बैंगर और होम्स वाला पढ़ा था, तो यहाँ पर भी हम वह देखने वाले हैं। तो महाद्वीप विस्थापन पर आधारित सिद्धांत हो जाता है। इस प्रकार के सिद्धांत भूगर्भ में उत्पन्न क्षैतिज शक्तियों के आधार पर महाद्वीप के विस्थापन हुआ। महाद्वीप का क्या हुआ? विस्थापन हुआ उत्पन्न क्षैतिज शक्तियों के आधार पर। काल महाद्वीप का विस्थापन हुआ इस विस्थापन की प्रक्रिया के अंतर्गत संपीड़न के कारण सागरीय तलछटों में मोड़ पड़े। कैसे पड़े? सागरीय तलछट क्या थे? उसमें मोड़ पड़े इसके विस्थापन से, तथा मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। इस विचारधारा के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। अब इनको देख लेते हैं, विस्थापन के आधार पर सिद्धांत कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला हो जाता है डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत, दो दो सिद्धांतों आपको याद होने ही चाहिए, वैसे सभी होने चाहिए, एमसीक्यू को क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो बात करते हैं डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत हो जाता है। दूसरा हो जाता है बैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, तो पता ही आपके लिए। और होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, ये भी पढ़ रखा है हमने। तथा जॉली का तापीय चक्र सिद्धांत हो जाता है, और हो जाता है होफर्ड और बॉबी के भू संतुलन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो जाता है। तो वैसे तो आपको पांचों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। और वैसे आप अगर थ्योरी वाइज लिखो तो दो याद कर लेना, बैगनर वाला होम्स वाला याद ही है, तो दोनों को लिख सकते हो कि बैगनर का महाद्वीप विस्थापन और होम्स का संवहन धारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो आपको यहां पर याद हो ही गए। आगे देखते हैं होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, क्योंकि होम्स के सिद्धांत के अनुसार मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। यहां पर इस सिद्धांत को हम देखने वाले हैं, क्योंकि उसने दे रखा था कि एक सिद्धांत का वर्णन करना है। तो हम क्या देखेंगे? होम्स का संवहन धारा का सिद्धांत, ठीक है भाई। तो होम्स ने 1928 में संवहन धारा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया था? 1928 में संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाते हुए महाद्वीपीय विस्थापन को भी प्रस्तुत किया था, जो हम पहले पढ़ सके हैं महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, 1907 में भी किसका निर्माण किया था? पर्वतों का। इस सिद्धांत में पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाते हुए, पर्वतों का निर्माण की प्रक्रिया समझाई ही, और साथ में क्या, महाद्वीप विस्थापन को भी प्रस्तुत किया था, जो हमने देख रखा था। यह सिद्धांत भूगर्भिक संवहन धाराओं पर, तो यहां पर दे रखा है भी संवहन धारा कहां बहती है, भूमि के अंदर। तो भूगर्भिक संवहन धाराओं के आधार पर आधारित है। होम्स में पृथ्वी के संरचना को तीन परतों में, कौन कौन सी? होम्स ने संरचना को, मतलब पृथ्वी की संरचना को तीन परतों में डिवाइड किया, जैसे कि अपनी हो जाती है ऊपरी परत। ऊपरी परत हो जाती है जो 10 से 12 किलोमीटर मोटी, कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर मोटी, तथा ग्रेनाइट सैलो से निर्मित है। सबसे ऊपर वाली किससे है भाई? ग्रेनाइट सैलो से निर्मित है। मध्यवर्ती जो परत हो जाती है वो किससे है? एन्फ्रीबोलाइट, है ना, एन्फ्रीबोलाइट, ठीक है भाई, एन्फ्रीबोलाइट सैलो से निर्मित है। किससे है? एन्फ्रीबोलाइट सैलो से निर्मित है, जो कि 20 से 25 किलोमीटर मोटी है। कितनी है? 20 से 25 किलोमीटर मोटी हो जाती है, जो एन्फ्रीबोलाइट सैलो से निर्मित हो जाती है। अंदर रह जाती है निचली परत, कौन सी? निचली परत, जो कि एक्लोजाइड, किससे? एक्लोजाइड सैलो से निर्मित है। सैल आपको याद करने पड़ेंगे, 10 से 12 हो जाती है ग्रेनाइट से, मध्यवर्ती वाली 20 से 25 हो जाती है एम्फीबोलाइट से, तथा निचली वाली जो अंदरूनी परत हो जाती है वो आती है अपनी एक्लोजाइड से, ठीक है, सैलो से निर्मित होती है, में विभाजित किया गया है। ऊपरी परत की रचना ग्रेनाइट, मध्य परत रबेदार सैलो से, जो मध्य परत होती है वो कैसे? रबेदार सैलो से निर्मित है। निचली परत का शेष भाग अधा स्तर कहलाता है। निचली परत का शेष भाग होता है वो क्या कहलाता है? अधा स्तर कहलाता है। होम्स के अनुसार महाद्वीपीय सियोल तथा आंतरिक सागर, जो सियोल है और वो आंतरिक सागर या फिर अधा स्तर का ऊपरी भाग सीमा से बना है, मतलब अधा स्तर का जो ऊपरी भाग है वो कैसे बना है? सियोल से बना हुआ है, जो 50 किलोमीटर अंदर होती है, ठीक है, ऊपरी मध्य स्तर कहलाता है। होम्स के अनुसार महाद्वीपीय सियोल तथा आंतरिक सागर अधा स्तर का ऊपरी भाग किससे बना है? भाग सीमा से बना है ना, ऊपरी भाग जो है वो सियोल आंतरिक सागर सियोल से बना हुआ है, जो कहां पर है? जो अपनी आ जाती है 50 किलोमीटर अंदर। फिर देखा है होम्स ने स्पष्ट किया है कि भूगर्भ की विभिन्न परतों में आसमान रूप से
शमान, ठीक है, आशमान रूप से रेडियो एक्टिव तत्व, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं मौजूद रहते हैं, ये तो आपको पता ही है, होम्स वाले तो पहले में देखा था सिद्धांत, जिसके विखंडन से भारी मात्रा में ताप प्राप्त होता है, ऊपरी परतों में उत्पन्न ताप का पर्याप्त भाग विकिरण द्वारा नष्ट हो जाता है, किसके द्वारा, ऊपरी जो ताप होता है वो पर्याप्त भाग जो होता है वो विकिरण द्वारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे उसका संचय नहीं हो पाता है, इसके विपरीत अधा स्तर में रेडियो के तत्वों के विखंडन, जो अधा स्तर होता है, जो अंदरूनी है, तीसरा भाग जो है, अधा स्तर रेडियोएक्टिव तत्वों के विखंडन से प्राप्त ताप एकत्रित होकर संवहन धाराओं को जन्म देता है, जो अपने मध्य स्तर में जो रेडियो तत्व होते हैं उनका ताप क्या करता है, संवहन धाराओं को जन्म देता है, संवहन धाराओं को जन्म देता है, अतः पृथ्वी के अधा स्तर से ऊपर की ओर संवहन धाराओं चलने लगती हैं, जो अधा स्तर है उससे कहां जाएंगी, ऊपर की ओर जो होती है संवहन धारा चलने लगती हैं, विषुवत रेखा के समीप सियाल की मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होती है, विषुवत रेखा पर अधिक होती है, ध्रुव पर क्या होती है, सियाल की मोटाई कम होती है, वजह रेखा है, फलतः संवहन धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर, विषुवत रेखीय क्षेत्र में कहां जाएंगी, नीचे से ऊपर ध्रुवों की ओर जाएंगी, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों से ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं, और ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, यहां तो ध्रुव रेखा से कहां जा रही हैं, सॉरी विषुवत रेखा से कहां जा रही हैं, ध्रुवों की ओर, और वहां से ध्रुवों से कहां आ रही है, नीचे की ओर, ठीक है, रेखा है ऊपर की ओर, ध्रुवों क्षेत्रों से ऊपर से नीचे की ओर चलती है, महाद्वीपों की मोटाई अधिक है, महाद्वीपों की मोटाई क्या है, अधिक है, तथा महासागरों की कम है, आपको बताए महाद्वीप कैसी है, आप कह सकते हो जो महाद्वीपों की जो मोटाई है वो क्या होती है, अधिक, महासागरों की मोटाई क्या होती है, वो होती है कम, अतः महाद्वीपों के अधा स्तर के नीचे से ऊपर को तथा महासागरों के अधा स्तर से संवहन धाराएं ऊपर से नीचे चलती हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलती हैं, महाद्वीपों के नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली संवहन धाराएं, महाद्वीपों के नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली जो संवहन धाराएं हैं वो अधिक शक्तिशाली होती हैं, कैसी होती है भाई, अधिक शक्तिशाली होती हैं, ये धाराएं दो प्रकार से महाद्वीपों के नीचे चलती हैं, महाद्वीपों के नीचे क्या चलती हैं, दो प्रकार चलती हैं, प्रथम विपरीत दिशा में प्रथम जो होती है वो विपरीत दिशाओं में अपसरित धाराएं महाद्वीप के नीचे तनाव को जन्म देती हैं, कहां देती हैं, महाद्वीप के नीचे जो अपसरी होती हैं, अपसरी धाराएं वो महाद्वीप के नीचे तनाव को जन्म देती हैं, जिससे स्थल भाग खंडित हो जाता है, जिससे जो स्थल भाग होता है वो क्या होगा, खंडित हो जाता है, और द्वितीय जो होती है, द्वितीय एक दूसरे की ओर चलने वाली संवहन धाराएं अभिसरण के द्वारा स्थल खंडों पर डालती हैं, भिजाव या फिर दबाव के प्रभाव में अवतलन करती हैं, जिससे भू अभिनतियां जन्म लेती हैं, जिससे क्या लेंगी, भू अभिनतियां जन्म लेती हैं, भूमि में भिन्नता देखने को आपको यहां पर मिलती है, ठीक है, आगे देखते हैं फिर, जैसे मैंने रखा है यहां पर ध्यान से आप देखते रहोगे तो आपको सारा के साथ समझ में आएगा, आगे देखिएगा, भूमध्य रेखीय भूभाग में ऊपर उठती संवहन धाराओं के अपसरण से तिथित सागर जन्मा, कौन सा तिथित सागर जन्मा था, किससे, भूमध्य रेखीय भूभाग में ऊपर उठती संवहन धाराओं से, जो भूमध्य रेखीय भूभाग था उससे कहां जा रहे थे, ध्रुवों की ओर जा रही थी संवहन धाराएं, तो उससे निर्माण किसका हुआ, उससे हुआ तिथित सागर का जन्म हुआ, जबकि मध्यवर्ती पिंडों के नीचे अभिसरण करने वाली धाराओं में के दबाव से तिथिस सागरीय तलछट में बलन पड़ने से पर्वत बने, अपना जो मध्यवर्ती पिंडों के नीचे अभिसरण करने वाली धाराओं के दबाव में तिथिस सागरीय तलछट में क्या पड़े भाई, बलन पड़ने से क्या बन गए, पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है भाई, आगे देखते हैं जो आकृति हम देखने वाले हैं, यहां रखा है होम्स के अनुसार संवहन धाराओं का चलना क्रम अस्थाई होता है, कैसा होता है, अस्थाई होता है, अपने इनकी उत्पत्ति केंद्र एवं दिशा समय के अनुसार चक्रीय रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, कैसे होते हैं, चक्रीय रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, होम्स ने इस संवहन धाराओं द्वारा
जन्मे मूलधार पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया है। कितनी अवस्थाओं में? तीन अवस्थाओं में विभाजित किया है। प्रथम अवस्था जो आती है वो कैसी अवस्था हो जाती है? प्रथम अवस्था, हमारी हेड क्या है? प्रथम अवस्था। यह भू अभिनतियां, भूमि में भिन्नतियां, यह भू अभिनतियां के निर्माण की सबसे लंबी अवस्था है। यह कैसी है? सबसे लंबी अवस्था है। दो विपरीत केंद्रों से आने वाली संवहन धाराओं के, दो विपरीत केंद्रों से आने वाली संवहन धाराओं के अभिसरण से उत्पन्न दबाव के कारण क्या होता है? अवतलन द्वारा, किसके द्वारा? अवतलन द्वारा विशाल भू अभिनति का जन्म होता है। यहां से आएगी और यहां से आएंगी संवहन धारा, ये इधर चली आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी और फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, राउंड में है ना, इसमें चक्रीय अवस्था में चलेंगे और यहां पर क्या हो जाएगा? अभिसरण क्या उत्पन्न होगा? अवतलन, और बन क्या जाएंगे? भू अभिनतियां का जन्म यहां पर देखने को आपको मिलने वाला, जो आकृति में हम देखने वाले हैं नीचे, ठीक है। बात करते हैं, दोनों ओर से आने वाली नदियां इस भू अभिनति के विशाल मात्रा में तलछट जमा करती रहती हैं। क्या करती रहती है भाई? तलछट जमा करती रहती है। तलछट के अवतरल, अब सॉरी अनवरत है ना, तलछट के अनवरत जमाव से भू अभिनतियां की तली धसती रहती है। क्या रहती है? धसती रहती है। आंतरिक दबाव बा ताप के कारण तलछटी शैलों का कायांतरण होता रहता है। ये यहां पर देखने को मिलती है फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट अवस्था हमारी होगी। अब सेकंड अवस्था देखते हैं, जो हम आगे देखेंगे भाई, आगे देखने को मिलेगा, चित्र देखने को मिलेगा आपको, डायग्राम देखने को मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बात करते हैं द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? कालांतर के पश्चात संवहन धाराओं की गति अल्पकाल के लिए तीव्र हो जाती है। कालांतर के पश्चात संवहन धाराओं की गति जो होती है अल्पकाल के लिए क्या हो जाती है? कुछ समय के लिए वह तीव्र हो जाती है। फलतः सागरीय तलछट पर दबाव के कारण अर्थात भिचाव से बलन पड़ जाते हैं। भिचाव से क्या पड़ते हैं भाई? बलन पड़ जाते हैं तथा मूलधार पर्वतों का उत्थान होने लगता है। परंतु यह अवधि सीमित होती है। यह अवधि कैसी होती है? सीमित होती है। अब थर्ड जो अवस्था होती है उसको देखते हैं, तृतीय अवस्था। यह पर्वतीय विकास की वह अवस्था है जिसमें एक्जोलाइट सेल, जो एक्जोलाइट सेल है, दबाव के कारण पृथ्वी में गहराई तक धस जाते हैं, पृथ्वी में गहराई तक धस जाते हैं। इस अवस्था में पर्वतों का उत्थान तेजी से होता है। पर्वतों का उत्थान क्या होगा? फिर तेजी से होगा। देखो यहां पर दबाव हुआ, क्या हुआ भाई, रुकिएगा, यहां पर दबाव हुआ, ये देखिएगा फर्स्ट अवस्था है ये पहली वाली, यहां पर धीमी बढ़ने वाली धाराएं, ये धाराएं कहां जा रही हैं? ये कोई केंद्र मान लेते हैं यहां पर, यहां से धाराएं कहां जा रही है देखो आगे की ओर, यहां आई फिर चलती जा रही इसी प्रकार से, है ना, राउंड वाली है, ये भी देखो यहां से शुरू ही मान सकते हैं, तो यहां से ही देखिएगा, यहां से इस प्रकार से आ रही है, जब इधर राउंड आएंगे और ये इधर राउंड आएगी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई? दबेगा स्थान, है ना, यहां पर दबेगा स्थान और यहीं पर क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा। यहां पर शीतल उष्ण प्रतीत हो जाता है, यहां पर शीतल उष्ण है, यहां पर शीतल है और यहां पर भी शीतल है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे की ओर, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में क्या हुआ? दबाव हुआ, अवतल पड़ गया, ये देखिएगा ये पड़ गया ना इस प्रकार से, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, जब इसमें क्या होगा? खिंचाव पड़ेगा बीच में, है ना, ये देखिएगा, और यहां पर क्या होगा? ये देखिएगा पर्वत निर्माण हो गए, ये क्या हो गए? पर्वतों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, बिल्कुल लीजिए आराम करा सकते हो। यहां पर उष्ण शीतल शीतल होगा, यहां पर भी शीतल होगा, शीतल और अति उष्ण, और यहां पर देखो शीतल है, इधर शीतल होगा, मतलब वहां पर क्या होगा? उष्ण होगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर धीमी होती धाराएं, ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हो गया, ये होम्स का नियम हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रखा है, और होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत द्वारा महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति मानी है यहीं पर, और बात करते हैं इसके विस्थापन तथा महाद्वीपों के किनारे पर जमा तलछट में क्या होगा? संपीड़न के कारण बलित पर्वतों की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। देखो क्या हो रहा है, संपीड़न के कारण, पहले क्या था? इस प्रकार से था ना, अब वो क्या हो गया? इस प्रकार से हो गया, संपीड़न के कारण बलित पर्वतों की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला है। फिर देखा है अपना लॉरेशिया के विस्थापन के, उससे उत्तरी अमेरिका के कार्डिला पश्चिमी द्वीप समूह के
पर्वत पूर्व एशिया के दीप चाप तथा अल्पाइन पर्वत के उत्तरी भाग निर्मित हुए हैं। ग्रीनलैंड के विस्थापन के कारण एंडीज तथा न्यूजीलैंड के पर्वतों के निर्माण हुए हैं। किसके किसके विस्थापन के कारण? ग्रीनलैंड के विस्थापन के कारण कौन सा एंडीज और न्यूजीलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ है? प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति यह होम्स के कोई विचार प्रकट नहीं किया है। जो प्राचीन पर्वत हैं उनके लिए होम्स ने कोई विचार प्रकट नहीं किया है। अब भाई इनने सिद्धांत तो दे दिया, अब कोई ना कोई तो बुराई इसकी करेगा ना, कोई ना कोई बुराई तो करेगा, आलोचना तो होनी होनी है। कोई ना कोई सिद्धांत के भाई कोई ना सिद्धांत आलोचना तो होनी होनी है। तो आलोचना कौन कौन सा है, कौन कौन सी कमियां निकाली है इसमें? तो पहला हो जाता है अपना स्टीयर ने होम्स के समय द्वारा सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह कहा है कि यह सिद्धांत ऐसे तथ्यों पर आधारित है जिनके विषय बहुत कम ज्ञान है। बिल्कुल सही है, ये उस तथ्य पर आधारित है जिसके बारे में बहुत कम ज्ञान है। कभी पढ़ा आपने, कभी समझा इसके बारे में? बिल्कुल नहीं, तो कम ज्ञान है। ठीक है, इसलिए ये प्रकार से कह सकते हैं इसकी आलोचना की गई है। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाला, रेडियोएक्टिव तत्वों के द्वारा उत्पन्न ताप में विशाल एवं शक्तिशाली संवहन धाराओं की उत्पत्ति क्षमता पर संदेह है। तो इस पर भी आपको संदेह है कि रेडियो तत्व हैं, ये संवहन धारा इतनी शक्तिशाली उत्पन्न कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे, इस पर भी इन्हें संदेह रहा है। थर्ड वाली की बात करते हैं, महानदियों के नीचे संवहन धाराओं का अपसारी और अभिसारी क्रम संज्ञात्मक है। अभिसारी और अपसारी क्रम जो है वो कैसा है? संज्ञात्मक है। चौथी की बात करते हैं, संवहन धाराएं समस्त भूगर्भ में सक्रिय होनी चाहिए थी, वहीं पर थोड़ी होती और भी जगह पर होनी चाहिए थी, है ना? ये केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही क्यों सक्रिय रही, ये भी एक आलोचना हो जाती है। कभी एक ही जगह पर क्यों हुई और भी जगह पर होनी चाहिए थी, है ना? पांचवी की बात करते हैं, महाद्वीपों के विखंडन का क्रम अब क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा था रेडियो तो अब भी व्यवस्थित है, तो अब क्यों नहीं हो रहा है पर्वतों का निर्माण, एक ये आलोचना हो जाती है। छठे की बात करते हैं, ऊपर उठती समय धाराएं अवतल द्वारा भू अभिनतियों का निर्माण ना करके ज्वालामुखी उद्गारों को जन्म देती है। क्या करती है भाई? ज्वालामुखी उद्गारों को जन्म देती है, ये नहीं कि अवतल द्वारा पर्वतों का निर्माण करती है, एक ये हो जाती है हमारी। आगे देखिए, रूपांतर द्वारा भारी पदार्थों को नीचे दशक जानी भी क्या है? एक भ्रामक है। आठवां, पर्वतों का निर्माण सभी महाद्वीप चतुर्भुजों पर क्यों नहीं हुआ है? जो सभी महाद्वीप हैं उनके चतुर्भुजों पर क्यों नहीं हुआ है? एक तो ये हमारी हो जाती है। कुछ ही स्थानों पर क्यों हुआ? सभी स्थानों पर होना चाहिए था। संवहन धारा द्वारा इतने विशाल एवं विस्तृत पर्वतों का निर्माण प्राय औचित्यहीन है। इतने विशाल पर्वत है, हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, इनका निर्माण जो है वो औचित्य है, मतलब सीमा से बाहर है। भले ही होम्स के सिद्धांत की भरपूर आलोचना हुई, परंतु वर्तमान में अन्वेषणों और शोधों के आधार पर सामने आया प्लेट वितरण सिद्धांत ने होम्स के सिद्धांत को विश्वसनीय और सत्यता को उजागर किया है। तो इन्होंने क्या माना है? आधुनिक जो वैज्ञानिक है उन्होंने माना है कि प्लेट वितरण से, मतलब समय धारा से पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन्होंने इनके बारे में सराहना की है, मतलब सहायता में उजागर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, मोड़दार पर्वतों का निर्माण, तो इसमें होम्स का देखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, दो दो आपको वहां पर याद कर लेना है सिद्धांत, दो टाइप के तो वर्गों में डिवाइड किए गए थे, तो दोनों को आपको याद करना पड़ेगा। तो वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जो कि नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाए। ठीक है भाई, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जिस चीज को नोट चाहिए www.paperhacker.in पर जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो भाई जय हिंद, जय भारत।